शुभ तिवारी एंड आई एम फ्रॉम गोरखपुर उत्तर प्रदेश। आई डन माय मास्टर्स इन बॉटनी फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ अलाहाबाद एंड आई हैव 2+8 टीचिंग एक्सपीरियंस। टुडे आई एम स्टैंडिंग बिफोर यू टू रिप्रेजेंट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन इकोलॉजी इज पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक इन विच वी कैन स्टडी डेंसिटी नेटैलिटी मॉर्टैलिटी सर्वाइवलशिप कर्व dispersion and age pyramid. I can elaborate all the 6 aspects of population characteristics. Before we started, let's know about what is a population. So population is a group of individuals of the same species. They can occur at same place at the same time. So different type of population are there: monospecific population and polyspecific population. So monospecific population are those population where the group of individual are same species, whereas polyspecific population are those population where group of individual are more than one species. इसका example of hive of bee यानी कि मधुमक्खी के छत्ते के तौर पर ले सकते हैं, जिसका उस छत्ते में 3 तरह के species पाए जाते हैं: workers, drone and queen. So हमने population देखा, type of population देखा, अब हमारा main topic population characteristic में density. So density is estimated the total number of individual are present in a unit area. यानी कि किसी भी एरिया में कितने number of individual present हैं, अगर हम उसको calculate करते हैं, अगर उसकी हम लोग density निकालते हैं, तो वो density कहलाती है. Density is further divided into 2 type: crude density and ecological density. So crude density is known as density per unit total space, whereas ecological density is known as density per unit total habitat. तो किसी भी एरिया के अगर हम टोटल स्पेस की बात करें तो वो क्रूड डेंसिटी कहलाती है, लेकिन अगर उसी एरिया में अगर हम हैबिटेट के बेसिस पे बात करें कि उस एक पर्टिकुलर एरिया में कितनी जगह हैबिटेट प्रेजेंट है, अगर उस बेसिस पे हम लोग डेंसिटी निकालें तो वो इकोलॉजिकल डेंसिटी कहलाती है. एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम इंडिया की बात करें तो अगर एक पर्टिकुलर एरिया में कि हम डेंसिटी निकालें, इंडिया की डेंसिटी निकालें, पूरी एरिया का अगर डेंसिटी निकालते हैं तो वो क्रूड डेंसिटी कहलाती है. लेकिन अगर हम केवल हैबिटेट के बेसिस पे अगर निकालें कि किस किस जगह हैबिटेट प्रेजेंट है, एज यू सी डैट कि यहाँ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट प्रेजेंट है, मैनग्रोव्स, ऑल देयर हैबिटेट आर देयर, तो वो इकोलॉजिकल डेंसिटी कहलाती है. सो आई होप आपको समझ में आया हो डेंसिटी. So density is further affected by 4 major type. Density के 4 factor हैं. पहला है immigration, emigration, natality and mortality. So immigration क्या है? If any group of population, कोई भी एक group of population में कोई एक individual exit हो जा रहा है उस population से, तो वो immigration कहलाता है, जिससे कि population density में effect होता है. इसको हम negative से denote करते हैं. Whereas emigration is known as किसी एक group of population में कोई एक individual अगर enter कर रहा है तो वो immigration कहलाता है. इसको हम positive से denote करते हैं. अब immigration, immigration नाम तो प्रोनाउंस में सेम है, तो एक निमोनिक से याद करने का आई एंड ई, आई फॉर इन एंड ई फॉर एग्जिट. तो आप इससे आप इजीली वे में याद कर सकते हो कि इमाइग्रेशन में कोई इन हो रहा है यानी कि आ रहा है, एंड इमाइग्रेशन में कोई एग्जिट हो रहा है, कोई इंडिविजुअल एग्जिट हो रहा है. थर्ड वन इज नेटैलिटी. नेटैलिटी इज नोन एज बर्थ रेट, कि कोई एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन में एस्टिमेटेड पॉपुलेशन में कितना ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हुआ एट ए पर्टिकुलर टाइम, तो वो नेटैलिटी कहलाती है. नेटैलिटी इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स:
मैक्सिमम नेटैलिटी एंड इकोलॉजिकल नेटैलिटी। सो मैक्सिमम नेटैलिटी क्या है? नाम से ही क्लियर है, मैक्सिमम मींस नो लिमिट, मैक्सिमम नेटैलिटी। मैक्सिमम ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस, इफ ए फीमेल प्रोड्यूस मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग विदाउट एनी इकोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल बैरियर, देन नोन एज मैक्सिमम नेटैलिटी। मैक्सिमम नेटैलिटी इज नोन एज फेकंडिटी, इज ऑल्सो नोन एज फेकंडिटी। और इसको क्या कहते हैं? और इसको मैक्सिमम रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल भी कहते हैं। वेयर एज इकोलॉजिकल नेटैलिटी इज नोन एज फर्टिलिटी, इज नोन एज फर्टिलिटी। और इसको क्या कहते हैं? इसको रियलाइज्ड रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल कहते हैं, रियलाइज्ड रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल। ये भी यहां भी ग्रोथ होगा, यहां भी ग्रोथ होगी, लेकिन जो होता है ग्रोथ जो होता है इसमें रियलाइज्ड मैनर में होता है। वेयर एज इन मैक्सिमम नेटैलिटी या मैक्सिमम ग्रोथ होता है विदाउट एनी बैरियर। अब हमारा है मोर्टैलिटी, इसमें क्या होता है कि डेथ रेट को देखा जाता है। ये नेगेटिव शो करता है डेंसिटी को, कि किसी भी पॉपुलेशन में कितना डेथ रेट अकर हो रहा है। अगर हम उसको एस्टिमेट करते हैं, उसको कैलकुलेट करते हैं, तो वो मोर्टैलिटी कहलाती है। मोर्टैलिटी इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, मिनिमम मोर्टैलिटी एंड इकोलॉजिकल मोर्टैलिटी। सो मिनिमम मोर्टैलिटी इज नोन एज नेचुरल डेथ, वेयर एज इकोलॉजिकल नोन एज एक्चुअल डेथ। नेचुरल एक्चुअल डेथ क्या होती है? डेथ तो डेथ होती है। सो इन नेचुरल डेथ, इफ योर ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस, इफ एनी ऑर्गेनिज्म कंप्लीट देयर लाइफ स्पैन विदाउट एनी इकोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल बैरियर, देन नोन एज नेचुरल डेथ। अगर कोई ऑर्गेनिज्म अपने लाइफ स्पैन को पूरा कर ले रहा है विदाउट एनी फैक्टर अफेक्टेड विद हिम, देन नोन एज मिनिमम मोर्टैलिटी नेचुरल डेथ। एक्चुअल क्या होती है? कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म की डेथ हो रही है विद ऑल द ड्यू फैक्टर, लाइकवाइज अर्थक्वेक हो गए, वॉल्केनिक इरप्शन हो गए, एक्सीडेंटल केस, कई सारे केसेस होते हैं, ऑल ड्यू फैक्टर्स से अगर उसकी डेथ हो रही है। अभी हमने देखा कोविड में कि कितने लाख लोग की डेथ हुई है। तो अगर उस बेसिस पर अगर उनको देखा जाए तो वह एक्चुअल डेथ कहलाते हैं। तो हमने मोर्टैलिटी देखा, मोर्टैलिटी से रिलेटेड एक टॉपिक है हमारा सर्वाइवलिटी कर्व, कि कौन से ऑर्गेनिज्म किस बेसिस पे सर्वाइव हो रहे हैं। अगर हम उसको देखते हैं, सर्वाइवलशिप कर्व, देयर आर फर्दर थ्री टाइप ऑफ सर्वाइवलशिप कर्व आर देयर। टाइप वन, टाइप टू एंड टाइप थ्री। टाइप वन इज नोन एज कॉन्वेक्स टाइप, टाइप टू इज नोन एज डायगोनल टाइप एंड टाइप थ्री इज नोन एज कॉनकेव टाइप। तो इसको मैं ग्राफ से सबको समझाने की कोशिश करता हूं। In which you can see that type 1 type curve, convex type, इसमें आप देख सकते हैं कि younger age में उनकी survivability काफी ज्यादा higher होती है। आप देख सकते हैं survivability काफी ज्यादा higher है। क्यों ऐसे होता है? क्योंकि उनका parental care काफी ज्यादा अच्छा होता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वो offspring काफी कम produce करते हैं। ऐसे species जो offspring कम produce करे, उनका parental care काफी अच्छा होता है और उनका mortality rate in juvenile phase, in early stage, काफी कम होता है। ऐसे स्पीसीज का एग्जांपल आप ले सकते हैं ह्यूमन बींग्स, मैमल्स, प्लांट की बात करें तो मैंगो ट्री। अब हम बात करते हैं टाइप थ्री के बारे में। टाइप थ्री में क्या होता है कि आप देख सकते हैं कि ऐसे स्पीसीज का यंगर एज में ड्रास्टिकली डिक्लाइन होता है, इनका मोर्टैलिटी रेट काफी ज्यादा होता है, सर्वाइवलिटी उनका जुवेनाइल फेज में काफी कम होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ऐसे जो स्पीसीज होते हैं वो ऑफस्प्रिंग काफी ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं और उनमें पेरेंटल केयर नहीं पाया जाता है। ऐसे जो स्पीसीज होते हैं वो आर सेलेक्टेड स्पीसीज कहलाते हैं। सेकंड वन इज डायगोनल, इसमें आप देख सकते हो कि इनका सर्वाइवलिटी थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन का ड्रास्टिकली ही रहता है, हाई ही रहता है, मोर्टैलिटी रेट हमेशा इनकी हाई रहेगी थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन।
इसका एग्जांपल आप ले सकते हो कि कई अफ्रीकन कंट्रीज हैं जिनमें नॉरिशमेंट नहीं मिल पाती जुलाइन स्टेज में, जिसकी वजह से उनकी सर्वाइवेबिलिटी हमेशा हाई रहती है। तो हमने सर्वाइवरशिप कर पढ़ा, उसके तीनों टाइप पढ़े। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिस्पर्जन। सो डिस्पर्जन क्या है? डिस्पर्जन इज ए इफ एनी पॉपुलेशन, इफ एनी इंडिविजुअल विच आर प्लेस्ड इन इकोसिस्टम, कि कैसे वो इकोसिस्टम में प्लेस है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडिविजुअल इन एनी इकोसिस्टम, कि कोई इंडिविजुअल किसी इकोसिस्टम में कैसे वो डिस्ट्रीब्यूट है, अगर हम उसकी बात करें तो वो डिस्पर्जल कहलाती है। देयर फर्दर डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप्स, रैंडम, यूनिफॉर्म एंड क्लम्प्ड। तो वन बाय वन देखेंगे। यूनिफॉर्म एंड क्लम्प्ड, तो आप देख सकते हैं इन रैंडम वन इंडिविजुअल इज अनरिलेटेड टू द अदर इंडिविजुअल, यानी कि ये रैंडमनेस शो कर रहे हैं। एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल में अनरिलेटेड मोशन शो करता है। आप देख सकते हैं एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल में कितना डिफरेंस शो कर रहा है, इसका डिस्टेंस ज्यादा है, इसके डिस्टेंस कम है। इसका एग्जांपल आप सीड डिस्पर्सल के तौर पे ले सकते हैं, कि जैसे हम लोग सीड का डिस्पर्सल करते हैं रैंडमली करते हैं, इनमें कोई यूनिफॉर्म मोशन नहीं होता है। सेकेंड वन विल बी यूनिफॉर्म, इसमें आप देख सकते हो कि एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल में एग्जैक्ट डिस्टेंस पे वो लाई कर रहा है, ये इवनलिस्ट होते हैं। ठीक है, इनमें क्या होता है, कई सारे फैक्टर होते हैं, जैसे कि एलिलोपैथी एंड टेरिटरी। एलिलोपैथी क्या होता है कि कोई एक प्लांट टॉक्सिक सब्सटेंस सिक्रीट करता है, जिसके वजह से वो दूसरे प्लांट को जर्मिनेट नहीं होने देता है उस पर्टिकुलर एरिया में। इट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्म डिस्पर्सल। थर्ड वन इज क्लम्प्ड। क्लम्प्ड इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट कॉमन डिस्पर्सल प्रेजेंट इन इकोसिस्टम। इसमें क्या होता है, जो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल है वो ग्रुप फॉर्म में होते हैं, क्लम्पनेस शो करते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो नेचुरल रिसोर्स प्रेजेंट है इकोसिस्टम में वो भी क्लम्ड मैनर में ही प्रेजेंट है, जिसके वजह से वो ऐसा शो करते हैं। तो हमने डिस्पर्सन देखा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आज का एज पिरामिड। सो एज पिरामिड क्या है? एज पिरामिड इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ देयर पर्टिकुलर एज इवेंट। तो इन एज पिरामिड थ्री टाइप ऑफ इवेंट आर देयर, प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव। ऑल द थ्री इवेंट आर देयर इन एज पिरामिड, थ्री टाइप्स आर देयर। The first one will be expanding, in which you can see that pre-reproductive, reproductive से और post-reproductive से काफी ज्यादा amount में present होता है, जिसके वजह से ये जो है pre-reproductive आगे जाके reproducible के लिए capable हो जाता है और ये growth factor ज्यादा show करता है। इसका example आप India को ले सकते हैं। Second will be stabilizing, स्टेबल ग्रोथ। इसमें आप देख सकते हो कि प्री जो होता है, रिप्रोडक्टिव जो होता है एंड पोस्ट जो होता है, तीनों इक्वल अमाउंट में प्लेस्ड होते हैं, इनका इक्वल अमाउंट होता है। एंड द लास्ट विल बी डिक्लाइनिंग। इसमें क्या होता है, जो प्री एंड पोस्ट होता है ये एज कंपैरिजन रिप्रोडक्टिव से काफी कम होता है, जिसकी वजह से प्री जो आगे चल के कम अमाउंट में रिप्रोड्यूसिबल एक्टिव हो पाता है और ये डिमिनिशिंग यानी कि डिक्लाइनिंग कर्व शो करता है। इसका एग्जांपल आप जापान एज ए कंट्री ले सकते हैं। तो हमने एज पिरामिड में तीन इवेंट पढ़े, उसके तीनों टाइप पढ़े। अगर मैं समराइज करना चाहूँ इस पूरे टॉपिक को, तो हमने पहले डेंसिटी पढ़ा, डेंसिटी में क्रूड एंड इकोलॉजिकल डेंसिटी पढ़ा, फिर हमने नेटैलिटी पढ़ा, बर्थ रेट पढ़ा, मॉर्टैलिटी पढ़ा, डेथ रेट पढ़ा,
उसी से रिलेटेड हमने सर्वाइवरशिप का पढ़ा, उसके तीनों टाइप पढ़े, फिर हमने डिस्पर्जन पढ़ा कि कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, फिर एट लास्ट हमने एज पिरामिड पढ़ा, उसके तीनों इवेंट पढ़े, उसके तीनों टाइप पढ़े। अब हम नेक्स्ट क्लास में पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व यानी कि एक्सपोनेंशियल लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व की बात करेंगे, JNS शेप और उसके कुछ फैक्टर की बात करेंगे। थैंक यू।